हत्यारे बेटे का इंस्पेक्टर पिता खुद को डीआईजी बताता था। जी हाँ, ये कहानी है राजधानी जयपुर की, जहां पर एक पुलिस वाले के बेटे ने एक व्यक्ति को बैग से मार करके उसकी हत्या कर दी। इसका वीडियो तो सामने आया और उसके बाद में जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के अंदर कई और भी खुलासे हुए हैं, जिसमें वहां के लोगों का कहना है कि इसका बेटा आए दिन ऐसी हरकतें करता था, गुंडागर्दी करता था, रोड पर जाते हुए जितने भी लोग होते थे उनसे मारपीट भी करता था। ऐसा हमारा कहना नहीं है बल्कि वहां पर मौजूद लोगों का कहना है। साथ ही अगर उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज कराएं तो पिता की धौंस भी देता था। बात करें अगर इंस्पेक्टर पिता की, तो इंस्पेक्टर पिता भी कम नहीं था, बल्कि रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के, जो एक फैमिली रेस्टोरेंट था, वहां पर उन्हीं के सामने उनका बेटा शराब पी रहा था, उस रेस्टोरेंट वालों ने मना किया तो वहां पर मारपीट भी की गई और अपने पुलिस की वर्दी का धौंस भी दिखाया गया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के बारे में भी सामने आ रहा है। तो कैसे ये पुलिस वाले का घर अब मुसीबतों के अंदर फंसता हुआ नजर आया है राजधानी जयपुर में, और ये कौन से इंस्पेक्टर हैं, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। जयपुर में युवक को बैग से पीट पीट करके मारने वाले बेटे और इस घटना को छिपाने वाले इंस्पेक्टर पिता की एक और करतूत सामने आई है। इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा खुद को डीआईजी बता करके बाजार में धौंस भी जमाता था और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने से भी नहीं चूकता था। इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर के खिलाफ में रेस्टोरेंट मालिक ने परिवाद भी दिया। अभी हत्या के मामले में इंस्पेक्टर के बेटा क्षितिज शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट करके रिमांड पर भी लिया। जब इस पूरी वारदात की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि आरोपी क्षितिज शर्मा गुस्से वाला था। पहले भी कॉलोनी में कई लोगों से उसने मारपीट की थी, लेकिन पिता के सीआई होने के कारण कोई शिकायत नहीं करता था। सीआई प्रशांत शर्मा और उसकी पत्नी भी मारपीट कर चुकी हैं। सीआई प्रशांत शर्मा ने 29 मार्च को वैशाली नगर में गणेश मार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट पार्टी के लिए बुक किया था। इस दौरान सीआई ने खुद को डीआईजी बताया। प्रशांत ने रेस्टोरेंट मालिक को कहा कि वह रात को फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर खाना खाने आएंगे। एडवांस के 3,000 रुपये देकर के प्रशांत और उसका बेटा क्षितिज शर्मा रेस्टोरेंट से चले भी गए। इसके बाद में देर शाम 7 बजे प्रशांत शर्मा 20 लोगों के साथ में रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट के रूफटॉप पर जाने के बाद प्रशांत ने परिवार के साथ बैठकर के शराब पीना शुरू कर दिया। इस पर रेस्टोरेंट स्टाफ ने फैमिली रेस्टोरेंट होने की बात कही और शराब पीना बंद करने के लिए कहा, लेकिन इस पर प्रशांत शर्मा और उनका बेटा क्षितिज शर्मा स्टाफ से झगड़ा करने लगे और होटल मैनेजर ने बीच बचाव कर सभी को खाना खाने के लिए बैठा दिया था। लेकिन अब उसके बाद में उसके बेटे ने हत्या कर दी और इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल ईश्वर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।